नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बिजनौर स्थित धामपुर थाना क्षेत्र की, जहां गणेश चौथ समिति द्वारा बड़ी मंडी में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की गई। आपको बता दें कि गणेश चौथ समिति हर वर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन करती है। इस साल गणेश चौथ समिति को ये कार्यक्रम करते हुए 32 साल पूरे हो चुके हैं। इस साल ये 33वां कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्र विधायक अशोक कुमार राणा, चेयरमैन राजू गुप्ता, ब्लॉक प्रमुख पति नीरज प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे। पूजा में मुख्य यजमान राजीव गोयल, सरिता गोयल रहे। पंडित MS भागीरथी द्वारा पूजा अर्चना कराई गई, जिसमें सर्वप्रथम सभी अतिथियों के गले में पटके पहनाकर, उसके बाद गणेश जी का तिलक कर और वस्त्र चढ़ाकर गणेश जी को मिठाई और फल व फूलमाला पहनाकर गणेश जी की स्थापना की गई। गणेश जी को खाने का भोग लगाया गया और सभी ने गणेश जी की आरती की। मुख्य अतिथि अशोक कुमार राणा, राजू गुप्ता और नीरज प्रताप सिंह को समिति के कोषाध्यक्ष विजय जैन द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में दिनेश नवीन, राकेश चौधरी, सत्वर सिंह सलूजा, गौरव पोषवाल, अजय अग्रवाल, सौरभ अग्रवाल, संजय अग्रवाल, उमेश कोयल, संयम जैन आदि मौजूद रहे। आज पूजन हुआ है गणेश जी का, आज 10 तारीख है, आज पूजन हुआ है। 18 तारीख तक पूजन चलेगा गणेश जी का, रोजाना प्रसाद वितरण होगा सुबह शाम। 18 तारीख में नगर में गणेश जी भ्रमण करने जाएंगे। 19 तारीख में गणेश जी विसर्जन के लिए जाएंगे। मैं तो भगवान से सभी कामना ये करता हूँ, साथ साथ आज अगर नगर धाम में 50 जगह गणेश जी बैठ रहे हैं तो अगर आने वाले साल में 60 जगह बैठ। और इसी के साथ जुड़ रहे हैं बंधन समाचार के साथ।